हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंट आइडियाज़ जिससे आप जो है घर पर हैप्पीली रह सकते हो, बोर नहीं होंगे। यू नो, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हम सिर्फ खाना पीना, सोना या मूवी देखना इतना ही करते हैं। यहाँ जब हम ऑफिस जाते हैं और हमारा स्केड्यूल जो है बहुत टाइट रहता है, तब हमें लगता है कि कुछ टाइम का मुझे अगर ब्रेक मिल जाए तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और जब हमें छुट्टियाँ मिली है, मतलब वेकेशन मिला है, तब हम जो है काफ़ी बोर सा फील कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कब लॉकडाउन पीरियड हटेगा और हम बाहर जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आप घर पर हैप्पीली रह सकते हो। आपको अच्छा लगेगा और आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा और काफ़ी नए नए एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे। ये लॉकडाउन पीरियड जो है वो सब लोगों के लिए नहीं है। जो लोग अभी भी ऑफिस जा रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। वो हमारे लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो बाहर जाकर भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम घर में रह के बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग बोर हो रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे उनको हेल्प होगी और वो जो है इजीली नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हम सिर्फ मूवी देखना बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो कॉमेडी सीरियल या बहुत कुछ आप मूवी देख सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी देख करके आप बोर हो जाते हो, तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मूवी और कुकिंग जो है बहुत ही फेमस टॉपिक हो चुके हैं, हर कोई कुकिंग कर रहा है। तो कुकिंग में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, गुजराती डिशेज़, राजस्थानी डिशेज़, नॉर्थ इंडियन डिशेज़, मतलब बहुत सारी डिशेज़ सीख सकते हो, केक बनाना। और मूवी भी आप बहुत तरीके की देख सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही फेमस है और आई थिंक सभी के दिमाग में ये आइडियाज़ रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि आप मेहंदी बनाना सीख सकते हो। आप घर में किसी की शादी हो तो आप मेहंदी बनाना सीख सकते हो। एटलीस्ट 1 to 2 डिज़ाइन जो है आप यूट्यूब ओपन करके मेहंदी की डिज़ाइन सीख सकते। अगर आप लोगों को सिंगिंग का शौक़ है तो आप सिंगिंग भी सीख सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं, वहाँ से आप सिंगिंग सीख सकते हो। डांसिंग का शौक़ है तो आप डांसिंग भी सीख सकते हो, इसके लिए भी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीख सकते हो। मेकअप सीख सकते हो, ये आपका बहुत ट्रेंड है, हर किसी को अच्छा अच्छा मेकअप करना होता है। इसके लिए आप पार्लर जाते हो या ब्यूटी पार्लर को घर पे बुलाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरा ही चैनल ओपन कर लीजिए या आपको जो भी यूट्यूबर पसंद हो आप उसका चैनल ओपन करके बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देखकर अपना मेकअप करना सीख सकते हो। इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि एक दिन आपने आई मेकअप सीखा, लिपस्टिक, दूसरे दिन आपने लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते वो सीखा, और आईलाइनर, ब्लशर्स, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फेस मेकअप के, तो आप वो सीख सकते हो। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए कौन से बेस्ट हैं, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए, वो आप सर्च कर सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा वो सर्च कर सकते हो। और आप जो है घर पर हेयर स्पा कर सकते हो, हेयर स्मूथनिंग कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, जो भी घर में अवेलेबल हो उनको यूज़ करते हुए। और हेयर स्पा के लिए आप मेरा भी वीडियो देख सकते हो। और उसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए आप कर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो हेयर कि जो भी ट्रीटमेंट होते हैं शाइनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो कर सकते हो। पेडिक्योर कर सकते हो, मैनिक्योर कर सकते हो, वैक्सिंग कर सकते हो। तो ये जो है मेकअप को लेकर, ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर एक ये आइडिया आप कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन हो तो आपको क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए वो आप देख सकते हो। या अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन हो और आपको फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ है तो वो आइडियाज़ आप ले सकते हो। उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपका बेबी हो चुका है तो उसके लिए भी अगर आप लोग फ़ोटोशूट करना चाहो तो फ़ोटोज़ के आइडियाज़ ले सकते हो। नेक्स्ट जो है, आपको अगर सेल्फ़ी लेने का बहुत शौक़ है लेकिन आपको सेल्फ़ी लेना नहीं आता है, तो आप इसके लिए भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हो कि कैसे आप सेल्फ़ी लोगे तो आपका फ़ेस स्लिम आएगा, और कैसे आप सेल्फ़ी लोगे तो आपका फ़ेस अच्छा दिखेगा, और कैसे आप स्लिम दिख सकते हो। इसके लिए भी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। बहुत मोटे हो, अगर आप बहुत पतले हो तो उसके लिए भी आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए मैं जानती हूँ कि अगर हमारा एक्टिव शेड्यूल होता है तो हमें टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। इसके लिए आप प्रॉपर डाइट फॉलो करके आप योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो। एटलीस्ट 3 to 4 kg तो आप कम ही कर सकते हो इस लॉकडाउन में, अगर आप हेल्दी फूड खाओ तो। क्योंकि अभी घर पर रह के सब अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम ये खाएं वो खाएं, लेकिन उसके साथ में अगर हमें फ़िट रहना है तो आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डिशेज़ पे फोकस करके आप अपने आप को फ़िट रख सकते हो। उसके अलावा आप नेल आर्ट सीख सकते हो। अगर आपको नेल पेंट्स लगाना बहुत पसंद है या नेल आर्ट बहुत पसंद है, तो डिफरेंट तरीके से अपने नेल्स को कैसे अच्छा दिखा सकते हो उसके लिए आप नेल आर्ट सीख सकते हो। कि शादी आने वाली है तो उसके लिए आप ऑनलाइन ड्रेसेस के आइडियाज़ ले सकते हो कि आप किस फंक्शन में कौन सी ड्रेस पहनी है और किस फंक्शन में कौन सा किस तरीके का मेकअप करना चाहिए, वो आइडियाज़ आप ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हो। अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो ऑब्वियसली आप कोई लोअर पढ़ सकते हो, या आपको अकेडमी का कुछ पसंद है तो वो आप पढ़ सकते हो। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहें जैसे कि स्पेनिश हो गया या कोई भी टाइप की लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो वो भी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के आप जो है लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है लेकिन आपको बजाना नहीं आता है तो भी आप जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर बजाना सीख सकते हो। कोई भी गेम सीख सकते हो, चेस, कैरम और जो भी इंडोर गेम्स होते हैं आपको पसंद है और आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आपको जो इंडोर गेम्स होते हैं वो सीख सकते हो घर पर बैठे आराम से। घर और ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो, इसके लिए जो भी क्राफ्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो देख सकते हो। नेक्स्ट आप स्टिचिंग सीख सकते हो, अगर आप लोगों को स्टिचिंग में इंटरेस्ट है जैसे कि ब्लाउज़ हो गया या जो भी सलवार कुर्ते हो गए या कोई भी डिज़ाइन की आप स्टिचिंग सीखना चाहें तो वो आप सीख। सो गाइज़, ये सारे आइडियाज़ जो है मेरे दिमाग में थे और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर इसे एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइज़, ये सब काम जो है आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को याद नहीं आया हो और आप लोगों को पसंद है ये सब चीज़ें तो आप मेरे आइडियाज़ लेकर अब से शुरू हो जाइए और आपको जो भी सीखना है वो आप सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए मेरा वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपने आइडियाज़ भूल गए थे और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको याद आ गया कि आपको क्या करना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।